अच्छा जी, आमना बातें क्यों नहीं करती है, इसका मैं पहले आपको जवाब दे देती हूँ, ठीक है। और टेलर की भी वहां पे बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है, हर किस्म का आपको वहां पे टेलर भी। ये जी देखें, ये 5,390 रुपये की इस पे सेल नहीं थी। पास भी एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास भी, मतलब मैंने जहां जहां से टोटके भी, कुछ वजीफे भी, मतलब जिधर जिधर से मेरे से हुआ ना, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मुकद्दस की बर्थडे की सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं और केक का भी ऑर्डर मैं दे आई थी और होटल का भी हो गया फाइनल, ठीक है। और साथ में जी इसके कपड़ों की मैचिंग थोड़ी सी रह गई थी, मतलब कि ट्राउजर लेने वाला था, दुपट्टा लेने वाला था, वो भी ले आई हूँ, आमना के भी कपड़े ले आई हूँ। अच्छा जी, टेलर के पास मैं गई थी और उन्होंने कहा है कि अभी कपड़े नहीं मिलेंगे, रश बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो काफी अरसा छुट्टियों पे थे, तो जिसकी वजह से ना आमी और मेरे जो बाजी ने मुझे ड्रेसेस दिए थे वो अभी नहीं मिल रहे हैं, तो वो तकरीबन कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन लगेंगे। तो वो जी अब जाहिर है फिर कोई और अम्मी को पहनने पड़ेंगे कपड़े। तो और आज जी आपके साथ दो तीन चीजें शेयर करने जा रही हूँ। एक तो मैंने अगर स्टिच मैचिंग करनी होती है कपड़ों की तो कौन सी शॉप से करती हूँ, अनस्टिच कौन सी शॉप से करती हूँ, लेसिस वगैरह लेनी होती है वो मैं कहाँ से लेने के लिए जाती हूँ। मैं कहती हूँ चले जो भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए, ताकि आप भी जो सरगोधा में रहने वाले हैं, आप भी कहीं से कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो आप आराम से कर लें। आमना और इब्राहिम के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो बातें नहीं करते हैं, क्लियर क्यों नहीं करते हैं, किस लिए वजह क्या है इसकी, ठीक है। तो वो भी आज ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो चले पहले मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ कि जो नाम मैं लेकर आई हूँ। अच्छा जी, ये है शर्ट, ठीक है, ये लार्ज में है और इसकी प्राइस है 5,390, ठीक है। ये 5,390 ये जब हमने ली है ना शर्ट, तो इस उस टाइम इस पे डिस्काउंट नहीं थी, और जहां तक अभी नोटिफिकेशन आया है, आप पता नहीं, जाके पता करने वाली बात है कि अब इस पे 30% ऑफ मतलब के लगा हुआ है, जहां तक मुझे पता चला है, मैंने जाके कंफर्म नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सेल के बगैर ये लिया है। और साथ में ये जी आमना का भी मैं ले आई थी ड्रेस, मैं पहले आमना का आपको दिखा देती हूँ। ये जी इसका ट्राउजर है, ये नीचे इसने पजामा पहनना है क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी बीच में है ना जो मैरून कलर की, मुझे बहुत ही ये प्यारा लगा था आमना का। ये देखें, ये मैंने ना बेबी केयर से लिया आमना का, ये देखें ऐसे फ्रॉक स्टाइल में। अच्छा, मैंने इस दफा कपड़े वो वाले लिए हैं कि जो बच्चे फिर बाद में घर में भी आराम से यूज करें, लूज सा लिया है बिल्कुल, इस तरह की फिटिंग उसे पहने हुए बहुत प्यारी लगती है आमना को। तो ये जी मैंने आमना का लिया, ठीक है, ये फुल ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, ये मिरर का वर्क हुआ है इस तरह आगे से बटन, बहुत ही ऐसे प्यारा और सॉफ्ट कपड़ा है ये बहुत ही। और इस पे भी तकरीबन आप कर लें 20% ऑफ लगी हुई थी, ठीक है, और ये 2,300 की थी मेरे ख्याल में, 1,800 की के ऐसे कुछ इसी तरह मिली है, मतलब कि 1,800 की ये मिली है, ठीक है, बहुत ही मुझे ये अच्छी पसंद आई थी। और ये साथ इसकी टाइट पहले की घर में पड़ी हुई थी, वो मैंने साथ चलानी है। और इब्राहिम की ये वाली जी स्वेटर पहले की पड़ी हुई थी, साइड में पड़ी हुई थी, कसम से मुझे इसका पता ही को नहीं था, और ये भी 50% ऑफ पे मैंने ली थी, ठीक है, ये 2,500 की है तकरीबन, ये 1,400 की मिली थी, ये मैंने 50% ऑफ पे ली थी। और मुकद्दस की ये मैंने आपको शर्ट दिखाई थी, यही पहनी है मुकद्दस ने, माशाल्लाह इसको पहने में बहुत अच्छी लगी थी। और इसकी भी प्राइस, ये भी मैंने सेल में नहीं ली है, ये भी मैंने इसकी पूरी प्राइस 5,790 रुपये, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। और इसके साथ मैं कल गई हूँ और ये भी मैंने मैचिंग ली है। अच्छा चले मुकद्दस इधर बैठ जाओ, ये मैं आपको साथ में दिखा दूँ, इधर ही दिखा, ये जी मैं गई हूँ लाइमलाइट पे गई थी, ठीक है, और ये जी गदस का मैंने साथ में दुपट्टा लिया, और ये जी साथ में मैंने गदस का मैचिंग ट्राउजर किया, ठीक है, क्योंकि ना पिंक, अगर पिंक लेती ना, क्योंकि ये मैंने पिंक साथ रख के देखा था तो पिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लग रहा, इधर पिंक मैंने साथ रख के पिंक ट्राउजर देखा था, वो बिल्कुल भी सूट नहीं था खड़ा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लग रहा, तो ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि फुल पिंक होगी शर्ट और ऊपर ये आपको पता है फिर ऊपर कोई ना कोई चीज़ भी पहननी पड़ेगी, ये ली है शर्ट तो उसके साथ मैंने मैचिंग करनी होती है ना, तो ये मैं लाइम लाइट से करती हूँ, ठीक है। उनके पास आपको हार्ड दुपट्टा मिल जाता है, आपको ट्राउजर सिले सिलाई ऐसे पड़े हुए होते हैं, यकीन करें ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ये पता है कितने की मुझे मिली है, ये दुपट्टा 700 का आया है और ये जो ट्राउजर सिला हुआ खद्दर का, और ये आया है 1,200 का, मतलब कि 1,900 बिल बना है,
ये टोटल चीजों का सिले सिलाई। अब ये जैसे कि देखें ये पिको फिर करवाने पड़ते हैं, पहले दुपट्टे भी ढूंढते रहो फिर पिको करवाते रहो, ये ना इस तरह से ये स्टिच हुए भी होते हैं साइड से। और ये जी साथ में ट्राउजर भी सिला सिलाया आपका, इतना अच्छा स्टिच, इतनी अच्छी इनकी स्टिचिंग होती है, तो आराम से जी आपको सिला सिलाया मिल जाता है। तो अगर जी अनस्टिच मैंने कपड़ों की लेनी होती है ना मैचिंग, तो मैं जी मॉडर्न शॉपिंग मॉल पे चली जाती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ना आपको अनस्टिच ना कपड़ों की मैचिंग मिल जाती है। और अगर लेसिस वगैरह लेनी होती हैं तो वो जी मैं रहमान प्लाजा में चली जाती हूँ, वहाँ पर हर किस्म की वरायटी है, आपको हर तरह की लेस मिल जाती है, हर तरह का आपको बटन वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और टेलर की भी वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वरायटी है, हर किस्म का आपको वहाँ पर टेलर भी मिल जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चले आपका भी कोई भला हो जाए। वीडियो हम ऐसे फजूल गप्पे ना लगाते रहे तो कम से कम आपका भी कोई भला हो जाए। अच्छा जी, आप आमना और इब्राहिम का मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि आप ही आमना बातें नहीं करती है, आमना उर्दू बोलती है, इंग्लिश बोलती है, उसकी बिल्कुल बातों की समझ नहीं आती है, इब्राहिम नहीं बातें करता है, क्या प्रॉब्लम है हमें बताएं, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैंने मैसेज में जवाब भी दिए हैं, काफ़ी लोगों के जी कमेंट इस तरह के भी आते हैं कि यकीन करने के मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, इस तरह की भी बातें होती हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, कभी कभी मैं इस मूड में नहीं होती हूँ कि मैं उस बात का जवाब दूँ। अच्छा जी, मैं कहती हूँ दुनिया के ऊपर जो सबसे प्यारा रिश्ता है ना, अव्वल तो अल्लाह का अपने बंदों के साथ है, और उसके बाद वालिदैन का अपने बच्चों के साथ है। डॉक्टर को भी चेक करवाया आमना को, और डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई इसका मेडिकली कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक नहीं, मैं दो तीन डॉक्टर के पास आमना को लेके गई हूँ, अच्छा होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास भी, एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास भी, मतलब मैंने जहाँ जहाँ से टोटके भी, कुछ वजीफे भी, मतलब जिधर जिधर से मेरे से हुआ ना, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जिधर भी मैं जाती थी ना, वो कहते थे कि बच्ची में कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस कई बच्चों की होती है कि लेट बातें करते हैं, ठीक है, इस तरह ऐसा वैसा इनका कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह जब भी ये बातें करने पे आएंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि आमना आप चुप कर जाओ, ठीक है। अब माशा तकरीबन 6 से 7 माह हुए हैं, आमना ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है। अच्छा, जिस तरह हम घर में बात करते हैं ना, हम आपको पता है उर्दू में बात करते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, मतलब के मूवीज वगैरह देखते हैं, बच्चों वाली जो होती है इंग्लिश में होती हैं, तो वो उधर से कुछ इंग्लिश होती है, कुछ घर में उर्दू होती है, स्कूल में आपको पता है इंग्लिश उर्दू चल रही होती है, तो वो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि हमने बोलना क्या है, ठीक है। वो ज़्यादा अब आमना की इसी तरह हो गई है कि वो ना ज़्यादा इंग्लिश बोलती है, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, कार्टून वगैरह भी इंग्लिश में होते हैं, और मुकद्दस के पास यकीन करने टाइम नहीं होता है, इसके पापा भी घर पे नहीं होते हैं, एक मैं होती हूँ, मैंने इसके साथ कितनी उर्दू बोलनी है, तो इस वजह से ना वो ज़रा ज़्यादा इंग्लिश बोलती है और उर्दू बहुत कम बोलती है, ठीक है। और तकरीबन उसको 6 से 7 माह हुए हैं ज़रा बातें करते हुए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। जी टीचर ने इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे कहा है कि भाई ना माशाल्लाह आमना ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, स्टडी में भी, राइटिंग में भी, सभी में। तो अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे, ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है ना आमना में ना इब्राहिम में। अच्छा, इब्राहिम भी अपनी तरफ से सारी बातें करता है, लेकिन मुझे समझ आती है, लेकिन जो सुनने वाला बंदा होता है उसको समझ नहीं आती है। जब अल्लाह करेगा टाइम के साथ साथ जब उसकी जुबान क्लियर होगी तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही बातें करेगा। तो होश हो के आप सबको अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अब इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा मुकद्दस की बर्थडे का व्लॉग होगा, आप वो देखेंगे, तो इंशाल्लाह फुल डिटेल में जो वीडियो ना मुकद्दस की बर्थडे की वो मैं लेकर आ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।